नमस्कार। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के दूसरे पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता के विषय में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं और इन कथाओं के पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। प्रस्तुत है पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका अर्थ है बिलस्य अर्थात गुफा की वाणी आवाज न नहीं कदापि कभी भी मे मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई अर्थात मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी गई है। कथा आरंभ होती है कस्मिंसित वने खरनखरह नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। कस्मिंसित वने यानी किसी वन में खरनखरह खरनखर नाम नाम का सिंह शेर प्रतिवस्ति स्म रहता था। सह वह कदाचित इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ क्षुधार्ता भूख से व्याकुल न किंचित अपि कुछ भी नहीं आहारम भोजन प्राप्तवान प्राप्त किया। वह भूख से व्याकुल इधर उधर घूमता हुआ कुछ भी भोजन प्राप्त न कर सका अर्थात उसे कुछ भी भोजन नहीं मिला। ततः तब सूर्यास्त समय सूर्यास्त के समय अर्थात दिन ढलने के समय एकाम महतीम गुहाम एकाम एक महतीम बड़ी गुहाम यानी गुफा को दृष्ट्वा देखकर सह अचिंतयत उसने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रौ रात्रि में कोपि कोई भी जीवः जीव आगच्छति आता है। गुफा को देखकर शेर ने सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में कोई ना कोई जीव अवश्य आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति अतः अत्रैव यानी यहीं इसी गुफा में निगूढ़ो भूत्वा छिप करके तिष्ठामि बैठता हूं इति। उसने गुफा को देखकर सोचा कि इस गुफा में निश्चित रूप से कोई जीव आता है इसलिए मैं यहीं इस गुफा में छिपकर बैठ जाता हूं। इस गद्यांश से संबंधित सभी कठिन शब्दार्थ और यथासंभव उनके संधि विच्छेद यहां दिए गए हैं। एतस्मिन अंतरे यानी इसी बीच गुहाया स्वामी गुफा का मालिक दधिपुच्छः नामकः शृगालः दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल यानी गीदड़ समागच्छत वहां आया। शेर ये सब सोच ही रहा था और उस गुफा में छिपकर बैठा तभी इसी अंतर में उस गुफा का मालिक गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल यानी गीदड़ वहां आया। सच और उसने यावत पश्यति जहां तक देखा तावत वहां तक सिंह पद पद्धति ही शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा गुफा में प्रवेश किए हुए दृश्यते दिखाई देते हैं। न च बहिरागता लेकिन बाहर आए हुए नहीं। गीदड़ ने आकर वहां देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा में तो गए हुए हैं लेकिन बाहर नहीं आए हुए। श्रृगाल अचिंतयत गीदड़ ने सोचा अहो विनष्टोस्मि ओहो मैं नष्ट हो गया अर्थात मारा गया। नूनम निश्चित रूप से अस्मिन बिले इस गुफा में गुहा और बिल दोनों पर्यायवाची हैं। बिल का अर्थ भी गुफा है तो अस्मिन बिले यानी इस गुफा में सिंह अस्तीति शेर है इति ये दो शब्दों का मेल है अस्ति धन इति इस गुफा में निश्चित रूप से शेर है इति तर्कयामी ये मैं सोचता हूं ऐसा मेरा विचार है। तत किम करवाणी तो क्या करूं इसमें शेर है तो अब मैं
क्या करूं, एवं विचिंत्य इस प्रकार सोच करके, दूरस्थः दूर से ही रवम यानी आवाज, कर्तुम आरब्धः करना आरंभ किया। ऐसा सोचकर गीदड़ ने दूर से ही आवाज करना आरंभ किया। भोबिल भोबिल, हे गुफा हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया, ये दो शब्दों का मेल है, यत मया, कि मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतोस्ति, समयः अर्थात शर्त, यहां इस समयः का अर्थ है शर्त, अनुबंध, कृतोस्ति किया गया है, अर्थात मेरी आपसे शर्त हो रखी है, यत कि यदा हम, जब मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, आगमिष्यामि यानी आऊंगा, और प्रति धन आगमिष्यामि यानी वापस आऊंगा, बाहर से जब मैं वापस आऊंगा, तदा तब, त्वम यानी तुम, माम मुझे, आकारयिष्यसि पुकारोगी, हे गुफा क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे साथ मेरी यह शर्त हो रखी है कि जब मैं बाहर से वापस आऊं तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वम यदि तुम, माम मुझे, न आह्वयसी नहीं पुकारोगी, आह्वयसी यानी पुकारोगी, तरही तो अहम मैं, द्वितीयम बिलम दूसरी गुफा में, यास्यामि जाऊंगा इति। ये गुफा को संबोधित करते हुए गीदड़ कहता है यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा, ये शब्द ध्यान से देखें, नीचे इसका विवरण यहाँ दिया गया है। एतत् धन श्रुत्वा, इस त का च और श का छ बनने के बाद दोनों पदों में जब संधि होगी तो इनका रूप बदलकर एतत् श्रुत्वा हो जाएगा, यानी यह सुनकर। एतत् श्रुत्वा यानी यह सुनकर सिंह अचिंतयत्, शेर ने सोचा, नूनम एषा, ये दो शब्दों का मेल है, नूनम धन एषा, निश्चित रूप से यह गुहा यानी गुफा, स्वामिनः स्वामी का, सदा हमेशा, समाह्वानम करोति आह्वान करती है, अर्थात निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी को पुकारती है जब वो वापस आता है गुफा में। परंतु लेकिन, मद भयात मेरे भय से, शेर ऐसा सोचता है कि मेरे भय से, न किंचित वदती न कुछ भी बोलती है, ये गुफा शायद मेरे भय से आज कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा या साध्विदम उच्यते, साध्विदम, इसको भी ध्यान से देखें, यहां दिया गया है नीचे विवरण में, साधु धन इदम, साधु यानी उचित, इदम मानी यह, साध्विदम अर्थात यह उचित, उच्यते यानी कहा गया है। वयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत्। इसका नीचे अन्वय किया गया है, इसका अर्थ अच्छी तरह से समझने के लिए। भय संत्रस्त मनसाम जनानाम हस्तपादादिका क्रियाः न प्रवर्तन्ते वाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम अर्थात डरे हुए मन वाले लोगों की, हस्त पादादिकाह क्रियाः, हाथ पैरों आदि से संबंधित क्रियाएं, न प्रवर्तन्ते नहीं काम करती हैं, अर्थात जो डरे हुए लोग होते हैं उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। वाणी च, और उन लोगों की वाणी, वे पथुश्चाधिको, ये तीन शब्दों का मेल है, नीचे यहां देखें, वे पथु धन च धन अधिक, अर्थात वे पथु यानी कंपन, च यानी और, अधिक यानी अधिक, अधिक कंपन होता है यानी उनकी आवाज भी कांपने लग जाती है। जो लोग डरे हुए होते हैं उनके हाथ पैर सही से काम नहीं करते हैं और उनकी आवाज भी कांपने लग जाती है, ऐसा शेर ने सोचा गुफा के विषय में, ये गुफा मेरे भय से
आज बोल नहीं रही है। तद हम अतः मैं अस्य इसका किसका गीदड़ का आह्वानम करोमी आह्वान करता हूं, यानी तो गुफा तो बोल नहीं रही अतः मैं ही इस गीदड़ का आह्वान करता हूं अर्थात इस गीदड़ को पुकारता हूं। एवं इस प्रकार सह बिले प्रविश्य सह यानी वह गीदड़ बिले यानी गुफा में प्रविश्य प्रवेश करके मे यानी मेरा भोज्यम भोजन भविष्यति बनेगा। मैं अगर उसे पुकारूंगा तो गीदड़ सोचेगा कि गुफा ने मुझे पुकारा है और जो ही वो अंदर आएगा तो वो अंदर आते ही मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य इत्थम यानी इस प्रकार विचार्य यानी विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक श्रृगालस्य आह्वानम अक्रोत श्रृगालस्य यानी गीदड़ का आह्वानम आह्वान अकरोत यानी किया गीदड़ को पुकारा। सिंहस्य शेर की उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से यानी तेज गर्जना की प्रतिध्वनि यानी अनुगूंज से सा गुहा वह गुफा उच्चै ही श्रृगालम आह्वयत उच्चै यानी जोर से श्रृगालम यानी गीदड़ को आह्वयत यानी पुकारती है। गर्जना शेर की है उस गर्जना की अनुगूंज से वह गुफा और अधिक गूंजती हुई ऐसी लगी जैसे गुफा तेज आवाज में गीदड़ को पुकार रही है। अनेन अन्येपि अनेन यानी इससे इस गर्जना से अन्य अपि इस शब्द को ध्यान से नीचे देखें अन्य धन अपि अर्थात दूसरे भी पशु है यानी पशु भयभीता भयभीत अभवन हुए उस उच्च गर्जना को सुनकर के दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृगालोपि गीदड़ भी ततः वहां से दूरम पलायमानः दूर भागता हुआ इमम पठत यह पढ़ा अर्थात ये कहा गीदड़ ने वहां से दूर भागते हुए ये कहा अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेयत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका अन्वय इस श्लोक को अच्छे से समझने के लिए इसका अन्वय यहाँ दिया गया है। यह अनागतम कुरुते सशोभते यो अनागतम न करोति सशोच्यते अत्र वने संस्थस्य जरा समागता बिलस्य वाणी मे न कदापि श्रुता अर्थात यह यानी जो अनागतम आने वाले को अर्थात जो आया नहीं है आने वाला है ऐसे संकट को या दुख को कुरुते करता है क्या विचार उसका समाधान ढूंढता है सशोभते वह सुशोभित होता है अर्थात वह सुखी रहता है। जो व्यक्ति समस्या आने से पहले उसका समाधान ढूंढ लेता है वह सुखी होता है। यो अर्थात मूल शब्द है यह जो अनागतम आने वाले दुख को न करोति समाधान नहीं ढूंढता है उस पर विचार नहीं करता है सह यानी वह व्यक्ति सोच्यते दुखी होता है। अत्र यहां वने वन में संस्थस्य रहते हुए का जरा समागता जरा यानी बुढ़ापा समागता यानी आ गई यहां इस वन में रहते रहते मुझे बुढ़ापा आ गया अर्थात मैं बूढ़ा हो गया लेकिन बिलस्य वाणी गुफा की आवाज में मेरे द्वारा न कदापि श्रुता कभी भी नहीं सुनी गई। इस श्लोक की अंतिम पंक्ति के आधार पर ही इस पाठ का शीर्षक दिया गया है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता अर्थात गुफा की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। कस्मिंश्चित क्षुधार्तः सिंह पद पद्धति ही विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा समाह्वानम् साध्विदम् भयसंत्रस्त मनसाम् प्रतिध्वनि ही। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए। सिंहस्य नाम किम् शेर का नाम क्या है। उत्तर है खरन खरह गुहाया स्वामी
आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? उत्तर है ददीपुच्छ, ददीपुच्छ नाम का शृगाल गीदड़। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगतः? शेर किस समय गुफा के समीप आया? उत्तर है सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय। हस्त पादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं किसकी काम नहीं करती, अर्थात किनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं? उत्तर है भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वालों के। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किस से प्रतिध्वनित हुई, अर्थात किसकी अनुगूंज हुई गुफा में? उत्तर है उच्च गर्जनेन, उच्च गर्जना से। किसकी उच्च गर्जना से? शेर की, सिंहस्य उच्च गर्जनेन। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। खरन खरह कुत्र प्रतिवस्ती स्म, खरन खर कहाँ रहता था, खरन खरह कस्मिंश्चित वने प्रतिवस्ती स्म, खरन खर किसी वन में रहता था। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा नूनम एतस्याम गुहायाम, निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रौ रात्रि में कोपी कोई जीव जीव आगच्छति आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः यहीं पर छिप करके बैठता हूँ। अगला प्रश्न है शृगालः किम अचिंतयत, गीदड़ ने क्या सोचा? शृगालः अचिंतयत, गीदड़ ने सोचा अहो विनष्टोस्मि, ओहो मैं नष्ट हो गया, मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बिले, निश्चित रूप से इस गुफा में सिंह अस्तीति तर्कयामि, शेर है ऐसा मेरा तर्क है। तत् किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूं? अगला प्रश्न है शृगालः कुत्र पलायितः, गीदड़ कहाँ पलायन कर गया, कहाँ भाग गया? उत्तर है शृगालः दूरम पलायितः, शृगाल यानी गीदड़ दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर गीदड़ क्या देखता है? गुहा समीपम आगत्य शृगालः, गुफा के समीप आकर गीदड़ यावत पश्यति, जहां तक देखता है तावत वहां तक। सिंह पद पद्धति ही शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा गुफा में प्रवेश किए हुए दृश्यते दिखाई देते हैं, न च बहिरागता लेकिन बाहर आए हुए नहीं दिखाई देते। कह शोभते कौन सुशोभित होता है, अर्थात कौन सुखी होता है? यह अनागतम कुरुते स शोभते, जो व्यक्ति आने वाले संकट का समाधान ढूंढता है वो सुखी होता है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, इन रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, अर्थात भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो इस शब्द के आधार पर यदि हम प्रश्न बनाएंगे, भूख से व्याकुल शेर, तो प्रश्न बनेगा कैसा शेर, तो कैसा को हम संस्कृत में लिखेंगे कीदृशः, तो कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कैसा शेर कहीं भी भोजन प्राप्त न कर सका। ध्यान रहे प्रश्न निर्माण के बाद उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। ददीपुच्छः नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत, ददीपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। प्रश्न क्या बनेगा, किस नाम का गीदड़, तो बनेगा वाक्य किम नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत, किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करती है। इस शब्द के आधार पर प्रश्न बनेगा यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है, तो किसका यानी कस्य।
एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है। भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती। किस प्रकार की क्रियाएं काम नहीं करती, तो किस प्रकार के, यानी कीदृशाः क्रियाः, प्रश्न बनेगा इसका। भय संत्रस्त मनसाम कीदृशाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, भय से डरे हुए मन वालों की कौन सी क्रियाएं काम नहीं करती। अंतिम है आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, पुकारने के बाद अर्थात आह्वान से गीदड़ बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके, बिले के स्थान पे हम प्रश्नवाचक शब्द अगर जो प्रयोग करेंगे वो होगा कस्मिन या कुत्र। आह्वानेन शृगालः कुत्र प्रविश्य या कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। अगला प्रश्न है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, नीचे दिए गए इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए, अर्थात इस कहानी में कौन सी घटना पहले घटी, तो इन सभी वाक्यों को सही क्रम से लिखेंगे। उत्तर है पहला परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता है, घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत, दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां आया। गुहायाम कोपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः, गुफा में कोई है ऐसा गीदड़ का विचार। दूरस्थः शृगालः रवम कर्तुम आरब्धः, दूर रहकर ही गीदड़ ने आवाज करना आरंभ किया। सिंह शृगालस्य आह्वानम अकरोत, फिर शेर ने गीदड़ का आह्वान किया। दूरम पलायमानः शृगालः श्लोकम पठत, दूर भागते हुए गीदड़ ने श्लोक पढ़ा। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, विशेषण पद कितने हैं। संख्या सह, संख्या के साथ साथ पदानि अपि लिखत, पद भी लिखिए। तो इस वाक्य में विशेषण है, अस्मिन वाक्य द्वे विशेषण पदे स्तः, दो विशेषण पद हैं। पहला है एकाम और दूसरा है महतीम, और इनका विशेष्य है गुहा। तो गुहा शब्द के लिए दो विशेषणों का प्रयोग हुआ है, एकाम और महतीम। अगला प्रश्न है तद हम अस्य आह्वानम करोमि, तो अब मैं इसका आह्वान करता हूं। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस वाक्य में ये अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उत्तर है सिंहाय अर्थात शेर के लिए, ऐसा किसने सोचा था कि मैं आह्वान करूं, ये सोचा था शेर ने, तो ये पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ, सिंहाय। अगला प्रश्न है यदि त्वम माम न आह्वयसी अस्मिन वाक्य कर्तृ पदम किम, इस वाक्य में कर्ता कौन है। उत्तर है त्वम, सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश किए हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। उत्तर है दृश्यते। अगला प्रश्न वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। अस्मिन वाक्य अव्यपदम किम, इस पूरे वाक्य में अव्यपद कौन सा है। उत्तर है अत्र। अगला प्रश्न मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इस पेटिका से उचित अव्यपद चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो रिक्त स्थान भरने के बाद ये गद्यांश होगा एकस्मिन वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः, एक वन में किसी व्याधः यानी शिकारी ने जाल बिछाकर दूरे स्थितः दूर जा बैठा। क्रमशः आकाशात सपरिवारः कपोत राजः नीचै आगच्छत, आकाश से एक
कबूतर सपरिवार क्रमशः नीचे आया। यदा कपोताः, जब कबूतरों ने तंडुलान अपश्यन् चावल देखे, तदा तेषां लोभो जाता है, तब उन्हें लोभ हो गया, लालच हो गया। परम, परंतु राजा सहमत नासीत, लेकिन उनका राजा कबूतर सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उनका विचार था, यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, यदि इस वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलानाम संभव, तो ये चावल कैसे संभव हो सकते हैं। परम, परंतु राज्ञ उपदेशम, राजा के उपदेश को अस्वीकृत्य है, अस्वीकार करके कपोताः कबूतर तंडुलान खादितुम चावल खाने के लिए प्रवृत्ताः जाले च निपतिताः, चावल खाने के लिए गए और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा यानी अचानक हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि हो तो नीचे कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।